सोच रही हूँ कि ना बात करूं अब की, ना बात करूं मैं तब की, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना होते तो सुन्नत हो जाती सबकी। दोस्तों, साध्वी देवा ठाकुर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे देश का राष्ट्रपिता कैसा होना चाहिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जैसा या महात्मा गांधी जैसा। और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने सारा सरबन संवार दिया, ऐसे ने इस देश को बचाया। दशमेश पिता जी ने अपना सारा सरबन संवारा, उनकी देवा ठाकुर जी ने काफी सारे शब्द बोले थे और इन्होंने कहा था कि मैं तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता मानती हूँ। ऊपर बहुत सारे कट्टर हिंदुओं ने इनको भड़ा बुरा और काफी सारे कमेंट भी बोलने शुरू कर दिए। इसके ऊपर इन्होंने क्या बोला, आइए हम सुनते हैं। बच्चे, अपने बच्चे, मतलब 40 लोगों से ज्यादा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परिवार में शहीदी हुई है, और ऐसे पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विषय में जब मैंने बोला तो कुछ जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी कहते थे, ना धर्म के रास्ते पर चलकर पाने और खोने की चिंता साध्वी देवा ठाकुर कभी करती और ना करेगी। मैंने अपना परिवार, अपना घर, अपने जीवन की छोटी बड़ी खुशियां छोटी हैं, मैं साध्वी ये चाहती हूँ कि गद्दार कहो, खालिस्तानी कहो, पाकिस्तानी कहो, मैं जिस भी मार्ग पर चलती हूँ उस मार्ग को मैं छोड़ती नहीं हूँ। लोगों ने सर दे दिए, कुर्बानियां दे दी, बच्चे ने छावर कर दिए, अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया। साध्वी देवा ठाकुर ने कट्टर हिंदुओं की क्लास ली है, वे बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने जमकर उनके ऊपर डंडे बरसाए और कहा कि जो लोग मुझे खालिस्तानी, आतंकवादी कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहें। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह सिख धर्म से बहुत प्रेम करती हैं, सनातनी होते हुए हमेशा सभी के भले की बात करती रहेंगी। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के हर उस शहीद का नाम गिनवाया। 4 साहिबजादों के बाद उनकी बुआ के जो बेटे थे उनकी शहीदी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। साध्वी देवा ठाकुर जी ने बहुत बार सिख धर्म का साथ दिया है। जब भी हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं सिखों के ऊपर भीड़ पड़ती है तो साध्वी देवा ठाकुर जी सिखों के हक में बोलती है। मैंने कई बार पता किया कि वह गुरुद्वारा बंगला साहिब भी माथा टेकने जाती है, और वह भी अमृत वेले स्पेशल कई बार माथा टेकने जाती है। बहुत अच्छी बात है साध्वी देवा ठाकुर जी जिस प्रकार से सिखों के हक में खड़ी होती है, और जिस प्रकार से वह कहती है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिताजी को नमन, उनको याद करती है और कहती कि दशमेश पिताजी ही देश के राष्ट्रपिता होने चाहिए। आप क्या कहते हैं कि क्या दशमेश पिताजी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? दशमेश पिताजी तो सभी के पिता है, जो सभी के पिता वो हमारे भी पिता है, वो राष्ट्रपिता भी तो है। एक तरफ महात्मा गांधी जी जिन्होंने किसी को लठ नहीं मारा, एक डंडा नहीं मारा, हमेशा किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसके सामने दूसरे गाल करने की बात करते हैं। पूरे एशिया की जो गुलामी के संगल थे उन सभी को काट कर फेंक देने वाले दशमेश पिताजी, और खालसे के अंदर वह रूहानी ताकत भरने वाले कि आने वाले समय में कभी भी जो उनके सिख है, उनका जो खालसा है, वो कभी भी इस धरती को गुलाम नहीं होने देगा। कभी भी सिख किसी की गुलामी नहीं करेंगे। सिख किसी देश का नहीं, सिख अपने गुरु का है। जो गुरु साहिब जी ने हुक्म दिए हैं, आज भी सिख और खालसा उन्हीं शब्दों के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। खालसा राज भी आने वाला है। अब पूरी दुनिया के अंदर सिखों की बातें चलनी शुरू हो चुकी है, जिस प्रकार से साध्वी देवा ठाकुर जी ने भी बताया सिखों की ये बात करती है, और बहुत सारे सनातनी धर्म प्रचारक है जिनका हम कोटानुकोट प्रणाम करते हैं उन सभी को। उन्होंने भी कई बार, अनेकों बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, और सभी को सिख धर्म के साथ जुड़ने की भी उन्होंने बात कही है। बहुत सारे लोग देवा साध्वी ठाकुर को गलत अपशब्द बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने सिख धर्म के हित में, सिख धर्म के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए काफी सारी बातें बोली थी। तो जिस प्रकार से यह बातें बोली गई, बहुत ही शर्मनाक हरकतें वहां पर वो लोग कर रहे हैं जो देवा साध्वी ठाकुर को, एक महिला को इस प्रकार से गंदे शब्दावली उनके लिए उपयोग करते हैं। साध्वी देवा ठाकुर के साथ हम खड़े हैं। साध्वी जी, जब भी आपको कभी जरूरत होती है आप हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी अपनी आवाज रख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की खत।